किराने सब पे छाए हुए। मैंने देखा कि किराने की दुकान पर एक सेठ जी बैठे हुए हैं और एफएम यहाँ भी चलता है, हमारे शहर में चलता है, तो एफएम पे गाना चल रहा है। उनकी आदत है वो गाना सुनते सुनते गाना गाने भी लग जाते हैं। अब गाना चल रहा है पुराना सा किशोरदा का, मेरा जीवन कोरा का ही रह गया। सेठ जी भी साथ में गा रहे हैं। इतने में कस्टमर आ गया, उसने कहा यार गाना बंद करो यार, सुबह सुबह 2 किलो चावल दो। सेठ जी को गुस्सा आ गया। सेठ जी नौकर को आवाज लगी, नौकर इस आदमी ने मेरा गाना डिस्टर्ब कर दिया है, एक काम कर, इस कमबख्त को 2 किलो चावल दे और दफा कर। वापस गाना गाने लगे, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पीछे से नौकर की आवाज आई, अरे सारे चावल चूहे खा गए, खाली पोरा ही रह गया। तो ये गाना में कभी कभी कॉमेडी। मैंने तो यहाँ तक देखा कि मेरे घर के पास में दूध वाला भैया है और वहां से मैं दूध लाता हूँ, कई बार मैं घी लेता हूँ, घी बड़ा अच्छा बनाता है। एक दिन वो कोई सास बहू का सीरियल देख रहा था और घी के बारे में मैंने पूछा, भैया घी बड़ा अच्छा बनाते हो, कैसे बनाते हो? अब उसके दिमाग में सास बहू का सीरियल चल रहा है और वो मुझे बता रहा है कि घी कैसे बनता है। दोनों में कॉम्बिनेशन देखिए, घी कैसे बनता है, दिमाग में सास बहू का सीरियल मुझे बता रहा है। पहले दूध में चावल डालते हैं, अरे उसका फिर हम दही जमाते हैं। आप पहले दूध में चावल डालते हैं, उसका फिर हम दही जमाते हैं। मक्खन निकलता है, थोड़ा पिघलता है, तब जाके बनता है घी। क्योंकि छाछ भी कभी दही थी, हाँ क्योंकि छाछ। तो ये इस तरह से कभी भी गांव में कॉमेडी आती। चलिए आइए, अभी मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले करोड़पति कई लोग इनाम जीत के ले गए, मेरा नंबर बिल्कुल नहीं लगा। उसमें एक दिन मैंने देखा कि जो डायरेक्टर था वो देख रहा है कि बच्चन साहब का मूड बड़ा उखड़ा हुआ है। उसने कहा, बच्चन साहब बड़े नाराज दिख रहे, बात क्या है, सेट पर आज शूटिंग नहीं होगी, क्या होगा? तो उसने डरते डरते बच्चन साहब से पूछा, एक्सक्यूज मी सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ बात क्या है, कुछ प्रॉब्लम है? तो बच्चन साहब ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखिए भैया ऐसा है कि हमारा बटवा जो है आज हम घर ही बुलाए हैं। सर तो बटवा तो आपका है, आपके घर का बड़ा, आपकी प्रॉब्लम की क्या बात है? देखिए ऐसा है कि हमारे घर के जो नौकर जाकर आए, बटवा को उठाएंगे, जय जी के हाथ में दे देंगे। पर सर मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, नौकर आपके हैं, घर आपका है, जया जी आपकी वाइफ है, और आप समझ नहीं रहे हैं? समझ सर की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं?